एक बार मैं देख लेता हूँ। हेलो, अभी हम तैयारी कर रहे हैं लाइव होने की। 1 मिनट आपको वेट करना होगा। हेलो, वेलकम। इन केस यू कैन सी मी, वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर यू फॉर दिस। लाइव है, 17 सेकंड हो गए। हो गए लाइव। लेट अस सी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका। ये फेसबुक लाइव की नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम भी कोशिश, जो हमारी बात देखते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, उनसे हम बातचीत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइव देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करने का, ताकि हम अपनी बात को समझ पाएँ। आप सब लोग कुछ कुछ इस बात को फॉलो, थोड़ा सिग्नल का इशू है शायद। डेंगू, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल, इस सब के बारे में हमारी क्या पोजीशन है, इस पे क्या कहना चाहिए? और सच बात यह है कि इसमें देरी इसलिए हो रही थी कि मैं खुद इसका शिकार था। मैं भी, हमारे दोनों बच्चे भी, जहाँ देखिए दिल्ली में हर तरफ ये हो रहा है, तो मैं खुद भी इसका शिकार था। बेहतर होने में थोड़ा सा समय लगा। एक बात मैं शुरू में ही कह दूँ कि ये, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, देश के दूसरी जगह नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिल्ली के आसपास गुड़गांव में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, और देश के बहुत अन्य राज्यों में भी हो रहा है। दिल्ली की बात हम क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की बात इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कंसंट्रेशन है, दिल्ली में पिछले साल भी हुआ था, इसके बारे में चर्चा हुई थी, इसके बारे में प्लान बना था। इसलिए दिल्ली में जब बारिश होती है, तब भी सरकारों का रेस्पॉन्स ऐसा ही होता है मानो दिल्ली के अंदर स्नोफॉल हो गया। बड़ा अजीब लगता है कि चलो स्नोफॉल हो जाए तो सरकार तैयार नहीं होती, लेकिन बारिश तो हर साल आती है, हर साल मच्छर आते हैं, और अब तो पिछले कई सालों से हर साल डेंगू आता है। चिकनगुनिया पिछली बार कम था, इस बार ज्यादा हो गया, तो हर साल अब ये भी आ रहा है। उसके लिए तैयारी क्यों हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और देश की राजधानी इसका नमूना बन गई है कि कितना बुरी तरह से मैनेजमेंट होता है, कितनी असफलता है प्रशासनिक राजनीतिक। और ये और साफ कर दूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी असफलता केवल आम आदमी पार्टी सरकार की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तो दिल्ली में किसी को स्पष्ट ही नहीं कि सरकार चला कौन रहा है, तो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन दिल्ली में एमसीडी है, और दिल्ली की तीनों एमसीडी पिछले 10 साल से बीजेपी के कंट्रोल में है। और दिल्ली में सैनिटेशन की, प्राइमरी सैनिटेशन नगर निगम का तो दोष है ही, वैसे पूरा कूड़ा करकट से डायरेक्टली नहीं होता। डेंगू चिकनगुनिया का मुख्य संबंध पानी से है। पानी का जहाँ ठहराव होता है, पानी जहाँ जहाँ जमा होता है, वहाँ मच्छर पैदा होते हैं। और कूड़े करकट की ये स्थिति है कि कूड़ा करकट अगर समय पे ना उठाया जाए, दिल्ली में हर जगह पे जो ढाल बने हुए हैं, जो डंप्स बने हुए हैं कूड़ा करकट के, अगर वहाँ 1-2 दिन नहीं उठाया जाता तो वो भी पानी के अंदर रिसके जाता है, वहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, गंदगी वहाँ भी इकट्ठी होती है। तो निश्चित ही इसमें एमसीडी की भूमिका है, एमसीडी का दोष है। और जहां जहां दिल्ली सरकार की बात हो, उसी सांस में एमसीडी की बात भी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज दो तरह के लोग हैं, एक जिनको केवल आम आदमी पार्टी में सब बुराई दिखती है, और दूसरे जो कहते हैं कि केवल एमसीडी जिम्मेवार है। उस लिहाज से आज जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार यहाँ बैठे,
एमसीडी यहाँ बैठे, केंद्र सरकार की डीडीए भी यहाँ बैठे, और सब लोग मिलके एक कमेटी बनाए और उस बात को जिम्मेवारी से करें, कुछ जिम्मेवारी का काम किया जाए, दिल्ली का जो भी राज चला रहे हैं सब लोगों को एक साथ बैठाया जाए। यही बात कुछ समय पहले हुई, इसकी बहुत चर्चा हुई। माफ कीजिएगा बीच बीच में कनेक्टिविटी थोड़ा अप एंड डाउन हो रही है, दिल्ली का ये भी बुरा हाल है, पर इसके बारे में बात कभी और करेंगे। जो तो हम बात ये कर रहे थे कि पहले चर्चा हो रही थी कि भाई उप मुख्यमंत्री नहीं है, मंत्री लोग नहीं है, लेकिन उसके साथ में ये चर्चा नहीं की कि एलजी भी 10 दिन नहीं थे और नॉर्थ दिल्ली के एमसीडी के मेयर भी यूरोप गए हुए थे। तो दुर्भाग्यवश आज टुकड़ों टुकड़ों में बात होती है, कुछ लोग एक पक्ष को उठाते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष को उठाते हैं। अगर हम दिल्ली के बारे में गंभीर हैं तो हमें सब पक्षों की बात करनी चाहिए, और सच्चाई ये है कि दिल्ली के तमाम राजनैतिक पक्षों ने दिल्ली सरकार के लिए जो जो लोग जिम्मेवार हैं सबने मानो दिल्ली से पल्ला झाड़ लिया। सबको लगता है कि नई दिल्ली में क्या फ़ायदा करने का, कुछ हो नहीं सकता, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमें सभी पक्षों की बात करनी चाहिए। एक प्रश्न है, पिछले साल जब दिल्ली में डेंगू फैल रहा था तब कहा गया कि सरकार ने अपना प्लान तैयार नहीं किया गया था, लेकिन हर साल यही हाल है। अब सरकार को पता है कि दिल्ली में संकट आता है तो उसकी हर साल तैयारी क्यों नहीं करते? सही बात है, इसको मैंने अभी कुछ समय पहले आंसर ही किया था। दूसरा, दोबारा हम लाइव आ गए, इस बीच आपके प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। एक साथी का प्रश्न है, क्या दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल उन मरे हुए लोगों की जान वापस ला सकते हैं जो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? उन्होंने फॉगिंग मशीन पहले क्यों नहीं खरीदवाई? प्रश्न आपके जायज है कन्हैया भाई, भाषा शायद जरूरत से ज्यादा सख्त है। सही बात है, जान भी गई है, और मुख्यतः ये महामारी ऐसी है जिसमें जान कम गई है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है दिल्ली का। आप ये सोचिए कितने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं पूरे दिल्ली में, और दुर्भाग्यवश केवल ये आंकड़ा भी बताने कोई कोई ठीक से तैयार नहीं है। सरकार ने क्या कहा है, कुछ 3,000 के करीब लोगों को दिल्ली के अंदर डेंगू और ये सब वायरल हुआ, अभी तो बिल्कुल मजाक है। 3,000 का मतलब है कि अंदाजन दिल्ली में कोई 5,000 में से एक व्यक्ति को हुआ है। अब आप ही बताइए, ये बात आपको ठीक लगती है? मैं जो देखता हूँ तो कम से कम 5 में से एक व्यक्ति को हुआ है दिल्ली में। कोई परिवार ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ कुछ कोई ना कोई ना हुआ हो। मैंने आपको बताया मेरे अपने परिवार में 4 में से 3 लोगों को हुआ है। जहाँ जिससे पूछते हैं कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को हो रहा है, हर परिवार को हो रहा है, और इसीलिए महामारी है। आप 5 में से 1 नहीं मानिए, आप समझिए माफ कीजिएगा बीच बीच में से ब्रेक हो रहा है। हमारे साथी फेसबुक पे कमेंट भी करके बता रहे हैं कि ऑडियो ब्रेक हो रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेटर लिंक का क्वालिटी हो जहाँ से हम ये करें। पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें कुछ भूल हो सकती है। मैं बता रहा था कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ क्लेम किया है कि 3,000 लोग हैं इसके प्रभावित हुए हैं। सही आंकड़ा कम से कम 10-20 लाख का है। उधर एमसीडी कह रही है कि हमने तो इतनी फॉगिंग इधर साथी रमन कह रहे हैं कि ये बहुत भयंकर समस्या है, दिल्ली के हर घर में ऐसा हो रहा है। वही बात मैं कह रहा था कि एक तरफ दिल्ली सरकार आंकड़े ठीक नहीं बता रही है, दूसरी तरफ एमसीडी कह रही है कि हर घर में 8 बार हमने कर दिया डीप फॉगिंग। अब आप ही बताइए कैसे कोई विश्वास करे इस तरह की बातों पे। एक साथी ने कहा है कि दिल्ली सरकार अब डीफॉगिंग मशीन खरीद रही है,
आप सही कह रहे हैं, कोई 10 दिन पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैं तो पेन भी नहीं खरीद सकता। भाई अगर आप पेन नहीं खरीद सकते थे तो आज 600 मशीन खरीदने का पैसा कहाँ से आ गया। और सच बात ये है आदि संस्थाओं को डांट लगाई है, अगर किसी भी संस्था से पूछा जाए तो सब अपने आंकड़े लेके उपस्थित हैं। ऐसे में दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई? बिल्कुल ठीक है, आपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है उसने आज सबको बुला के कहा है कि आप कर क्या रहे हो, और बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। दिल्ली सरकार को कहा है, MCD को कहा है, केंद्र सरकार की DDO को भी कहा है, और मैं समझता हूँ इसके अंदर LG का ऑफिस भी शामिल होना चाहिए। सब लोगों को कहा है, मिला के पूछा है कि आप में से कौन जिम्मेवार है, आप लोग क्या मिले? इस बीच कई साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं एक ही अनुरोध करूंगा, कमेंट को अगर हम इस विषय पे रखें तो अच्छा होगा। आपका मेरे बारे में क्या विचार है, अच्छा है बुरा है, दो है सर माथे पर है, लेकिन अगर आप विषय के संबंध में बोलें तो अच्छा होगा। एक साथी ने पूछा है कि सुमित नारंग जी ने पूछा है, डू यू फाइंड एनी इफेक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका कितना असर? जी जी, स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र हो रहा था। दरअसल स्वच्छ भारत अभियान तो देश भर में सफल नहीं हो पाया है, सिर्फ दिल्ली को दोष देना सही नहीं होगा, दिल्ली पे चर्चा ज़्यादा हो जाती है, दिख ज़्यादा जाता है, लेकिन देश भर में सफल नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा विचार था, लेकिन अच्छे विचार के पीछे जो जितना बड़ा काम होना चाहिए था सरकार का, वो काम नहीं हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, राज्य सरकारों की तरफ से नहीं हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत की तरफ से नहीं हुआ है। और अगर लोगों से पूछे कि भाई क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो एक प्रश्न का मैं और उत्तर दे देता हूँ, उसके बाद शायद इस बातचीत को हम बंद करेंगे और अगली बार से कोशिश करेंगे बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही फेसबुक का प्रयोग करें। इसकी आसानी ये है कि किसी स्टूडियो में नहीं जाना पड़ता, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, घर बैठे आपसे बातचीत हो सकती है। एक साथी ने प्रश्न पूछा है कि आपको नहीं लगता कि मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने आधे घंटे से ऊपर हो गया है और मैं आखिरी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। सवाल ये था कि आपको नहीं लगता कि मोदी केजरीवाल को काम नहीं करने देते? ये बात सच है, केंद्र सरकार बहुत अड़ंगे लगा रही है, टांग लगा रही है, और हर रोज झूठे सच्चे केस बनते हैं। कई बार मुझे लगता है कि तो दिल्ली पुलिस खामखा बिना बात का बतंगड़ बना रही है। लेकिन दो बात है, पहला ये कि अगर 21 लोगों के खिलाफ कोई मुकदमे बने और अगर उनमें से 4-5 सच्चे हैं, जो हैं, 3 तो मंत्रियों को निकालना पड़ा है और तमाम मामले हैं, अगर 4-5 भी उसमें से सच्चे हैं तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप पूरी दुनिया को बताने निकले हैं कि बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं, मैंने अपनी बात जो कई टुकड़ों टुकड़ों में कही है उसको मैं फिर समराइज कर देता हूँ। आज दिल्ली जिस स्थिति से गुजर रहा है, वो जितने भी दिल्ली के लिए जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हो, चाहे वो BJP की MCD हो, चाहे वो केंद्र सरकार की DDA हो, चाहे वो LG का ऑफिस हो, इन सब की मिली जुली जिम्मेवारी है, इन सब की लापरवाही है।
और जिस महामारी को रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था, समय पे नियंत्रित किया जा सकता था, वो करने में पूरी तरह से असफलता है। और आज जरूरत है कि सब लोग मिलके एक साथ काम करें, और इसके लिए जो एनजीटी का आदेश है बहुत अच्छा आदेश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो सबको कहा है कि सब लोग बैठ के पूरी सच्चाई जनता के सामने रखिए, पूरे तथ्य लाइए।